बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसी वाइब इसे। दोस्तों अब तो बस फ्री की सी आदत हो गई है, लेकिन जब हम सिटी से बाहर, मतलब अगर मनीला मकाती में अगर अपन हैं या जो सिटी बसेस हैं उनसे जा रहे हैं तो फ्री होता है, लेकिन अगर आप और कहीं जा रहे हैं तो आपको फ्री नहीं होगा। देख रहे हो, ये टिकट कलेक्टर है लेडी, तो ये पैसे मांगने आ रही हैं और मन नहीं कर रहा पॉकेट से पैसे निकालने का, क्योंकि 3-4 दिन से फ्री चल रहा है सारी दुनिया, समझ है। और मैं इतना क्यों घूम रहा हूँ आजकल, उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है जो आपको एक दो दिन ब्लॉग में आने के बाद पता लग जाएगा। और तो अभी क्या करते हैं, अभी आ गई है दीदी तो इनको पैसा दे देते हैं और फिर मिलते हैं आप लोगों से। अभी मैं जा रहा हूँ गुरुद्वारा, ठीक है, गुरुद्वारा इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि भगवान को याद करना ज़रूरी है, लंगर वगैरह भी खा के आएंगे मस्त वहाँ पे। तो बहुत दिन हो गए, लगभग मुझे 1 से 1.5 महीना से भी ज़्यादा हो गया अगर मैं गुरुद्वारा गए हुए। अभी मैं एक बार ट्राई किया था बीच में उस दिन रात को, आपने अगर मेरा व्लॉग देखा होगा तो, लेकिन तब क्या था बंद मिला था ना गुरुद्वारा, तो फिर जा नहीं पाए, तो इस चक्कर में सोचा आप चलते हैं और बस अभी वहाँ चलते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। दोस्तों ये जो यूनिवर्सिटी है ना, इसका नाम है डेला साले यूनिवर्सिटी, ठीक है, बहुत फेमस यूनिवर्सिटी है यहाँ फिलीपींस में ये। लेकिन एक बात और है इसके साथ साथ, मैंने किसी इंडियन स्टूडेंट को या किसी इंटरनेशनल ऐसे स्टूडेंट को जिसको मैं जानता हूँ, उनको कभी देखा नहीं कि वो लोग इस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, ठीक है। बट ये यूनिवर्सिटी अमंग फिलिपिनोज तो बहुत फेमस है और आई थिंक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी भी है ना। तो दोस्तों अभी मैं ऑलमोस्ट पहुँचने वाला हूँ UN Avenue, ठीक है, UN Avenue से थोड़ी दूर वॉक है और फिर हम पहुँच जाएंगे अपने मनीला गुरुद्वारा साहिब और वहाँ से मंदिर भी जाएंगे और फिर उसके बाद वापस जाएंगे। फिर एक जगह जाने का प्लान है जो आपको दिखाऊंगा आगे क्या कुछ है, ठीक है। तो चलिए, अभी तो ट्रैफिक बहुत है यार, ट्रैफिक में। दोस्तों तो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे एंड यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। वेलकम बैक टू माय चैनल मेडिकोज माय लाइफस्टाइल, दिस इज मोहित, आई एम गोना शो यू सम पार्ट ऑफ माय लाइफ इन माय ओन स्टाइल, ओके। तो आज मैं अभी, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, मैं आ गया हूँ मनीला और मनीला में आया हूँ अभी गुरुद्वारा। गुरुद्वारा जाएंगे, मंदिर जाएंगे, बढ़िया आशीर्वाद लेंगे, खाना वाना खाएंगे, उसके बाद जाऊंगा कहीं और जो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, ठीक है। ये देखो, ये हॉस्पिटल है, पहले यहाँ पे ना कोई यहाँ की यूनिवर्सिटी है, मतलब आमा, अगर आपने नाम सुना तो आमा मेडिकल जो भी स्कूल जो भी है, ठीक है, उसके बच्चों के इंटर्नशिप वगैरह कराते थे, लेकिन वो अब बंद कर दिया इस हॉस्पिटल में, कुछ भी होगा उनका अपना लपड़ा। तो ये जगह है मनीला, मनीला इज़ द कैपिटल ऑफ फिलीपींस, ओके। बंदे बड़े खुश हैं, यहाँ पे है ना पुलिस वालों का वो है कुछ पास में। ये देखो बंदा, कैपिटल में ऐसी ऐसी हरकतें कर रहे हैं लोग, है ना, नीचे पड़े हुए हैं, सो रहे हैं। हाँ, पुलिस वालों का कोई ऑफिस है यहाँ पे कुछ, मतलब हेडक्वार्टर्स वगैरह कुछ होगा, है ना। ये वाला है वो, तो इसलिए यहाँ पे थोड़ी पुलिस। और वो अगर आप देख पा रहे हैं वो वाली बिल्डिंग, एमिलियो की बिल्डिंग है वो, एमिलियो की कॉलेज की बिल्डिंग, ठीक है। यहाँ से UN Avenue से लगभग मान लीजिए आप 600-700 मीटर पड़ जाता है जो अपना गुरुद्वारा है वो, और मंदिर भी ऑलमोस्ट उतना ही पड़ जाता है,
मंदिर के लिए थोड़ा सा गांधी स्ट्रीट से, महात्मा गांधी स्ट्रीट से अंदर की तरफ जाना होता है। अगर आप पहले से मुझे देखते होंगे तो पता होगा आप, ये है यहाँ हमें बोलते हैं मनीला पुलिस डिस्ट्रिक्ट कुछ। टाइम की बात करो तो 3:15 हो गए और मैं अपने सिख टेंपल में होने के बाद वापस आ गया हूँ। तो अभी जहाँ जाना था वहाँ चलते हैं और सोच रहा हूँ कि एक अयाला मॉल है जो जहाँ पे अपन लोग हम लोग अब घर जाएंगे तो बीच में पड़ता है, तो देखते हैं अगर उसमें रुकते हैं तो। बहुत प्यारी जगह है वो भी, कुछ खरीदते भी हैं थोड़ा बहुत कुछ और देखते हैं क्या करना है। ठीक है तो चलिए आगे बढ़ते हैं। गार्ड ने बताया है कि भाई साहब आप कैमरे से यहाँ पे शूट नहीं कर सकते, तो कोई बात नहीं हम लोग फोन से शूट कर लेंगे। ठीक है लेकिन व्लॉग तो आएगा, समझ रहे मेरी बात। तो इस चक्कर में देखिए सुंदर जगह कितनी है यार, क्यों ना शूट करूँ मैं, समझ रहे मेरी बात। हद कर रखी है यार गार्ड ने। तो इस चक्कर में मैं अभी आ गया हूँ बालकनी टाइप एक जगह है, रेस्टोरेंट्स वगैरह की ये सब शायद, जहाँ पे आप लोग बैठ के खाना वाना इंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही प्यारी जगह है, मैं बहुत दिनों पहले आया था यहाँ पे और अब आ रहा हूँ। तो अगर आप आना चाहते हैं, बढ़िया मस्त मौज लेना चाहते हैं यहाँ पे, अभी जैसे जैसे नाइट होती जाएगी वैसे वैसे लाइटें जगमगाने लगेंगी यहाँ पे, वैसे वैसे माहौल चेंज होता हुआ नज़र आएगा, समझ रहे मेरी बात। अंदर चलते हैं दोस्तों, और अंदर की दुकानें अगर आप देखोगे ना, तो कैसे हैं आप सब लोग। अभी है ना शॉपिंग वॉपिंग का काम तो हो गया है और आई थिंक ये ऑलमोस्ट अभी टाइम की बात करो तो 6:45 हो गए हैं। तो सोच रहे हैं अभी आधा एक घंटा यहाँ बैठते हैं पार्क में और फिर यहाँ से निकल लेंगे घर की तरफ, समझ रहे। तो बस बस भी सब टाइम से मिल जाएगी तो ऐसी कोई दिक्कत होगी नहीं और मज़ा आता है यार। जब भी इस वाले मॉल में आया हूँ तो बहुत अच्छा लग रहा है। एक्चुअली ये जगह ही प्यारी है ना, लोग भीड़ बढ़ा का इतना है नहीं यहाँ पे और जगह बहुत प्यारी है, इस चक्कर में अच्छा लगता है, समझ रहे हो। बढ़िया बस अभी यहीं पे बैठते हैं, थोड़ा सा एम्बियंस इन्जॉय करते हैं, जगह प्यारी है क्योंकि, और फिर उसके बाद निकलते हैं घर की तरफ, है ना। तो चलिए बाबा है, पीस आउट। दोस्तों मैं एक दो चीज़ें एड्रेस करना चाहता हूँ अभी। एक तो एक्चुअली मुझे इंस्टाग्राम पे लोग मैसेजेस करते हैं ना तो मैं उनके जवाब नहीं दे पाता हूँ, तो उससे बेटर होगा कि आप लोग मुझे यूट्यूब वीडियोज़ के नीचे कमेंट करें, जिससे कि
आपको भी समझ आए कि जेन्युइन चीज़ क्या पूछनी होती है और क्या नहीं पूछनी होती, समझ रहे मेरी बात? क्योंकि कई चीज़ें बड़ी अजीब अजीब सी पूछते हैं लोग, मतलब कि देखिए अभी मैं एक बात बताता हूँ आपको, अभी किसी ने मेरी एक स्टोरी पे कमेंट किया, भाई मैं ए बी साइकोलॉजी में हूँ और मैंने फाइनल्स नहीं दिए और मुझे फेल कर दिया है, उसका कोई सोल्यूशन बताओ। भाई तुम हो क्यों ए बी साइकोलॉजी में, जब तुमने फाइनल्स नहीं दिए क्यों नहीं दिए भाई? मुझे तो नहीं समझ आता कि जब आप फाइनल्स एग्जाम्स नहीं दोगे तो फिर क्या ही सोल्यूशन होगा, आपको रिपीट करना पड़ेगा एग्जाम्स, दोबारा देने पड़ेंगे, समझ रहे हो मेरी बात? तो यार ये क्या क्वेश्चन है, मतलब मेरे समझ से बाहर है ये चीज़ें कि कैसे कैसे लोग क्वेश्चन पूछते हैं, और भी अजीब अजीब क्वेश्चन पूछते हैं, तो ये सब मैं नहीं एड्रेस कर पाता हूँ। और तो उससे बढ़िया है कि आप लोगों के जितने भी कमेंट्स हैं, जितने भी मतलब कि क्वेरीज वगैरह, वो आप कमेंट बॉक्स में डालें वीडियोज़ के नीचे यूट्यूब पर, तो उनमें से जो भी जेन्युइन कमेंट्स होंगे उनके मैं रिप्लाई दूंगा, समझ रहे हो मेरी बात? तो चलिए, आई होप आप लोग समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। दोस्तों एक चीज़ और ध्यान रखना कि अगर आप शाम को 6 या 7 बजे के बाद आ रहे हो तो आपको साउथ मॉल जाना हो पिटेक से, तो बहुत लंबी लाइन लगती है यहाँ पे यार, बहुत लंबी। अभी मुझे इस लाइन में लगे हुए लगभग टाइम हो गया, ऑलमोस्ट 1 घंटे से ज़्यादा, और अगले से अगले गेट तक की लाइन गई हुई, मतलब गेट नंबर 3 है वैसे ही, लेकिन गेट नंबर 2 तक लाइन गई हुई है, ऐसे मुड़ तुड़ के ऐसे वैसे वैसे आगे पीछे तक, समझ रहे? तो अगर आओ आओ शाम को तो थोड़ा सा प्रिपेयर हो ना कि भैया लाइन लगने वाली है लंबी, समझ रहे?